वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शाबिरस किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही टेस्टी और हेल्दी स्नैक्स पालक पूरी। पालक में भरपूर मात्रा में आयरन होता है और पालक बच्चों को भी ज्यादा पसंद नहीं होता है, तो अगर आप इस तरह से बच्चों को पालक खिलाएंगे तो बच्चे बड़े ही चाव से खाएंगे। तो चलिए देखते हैं पालक पूरी। तो चलिए देखते हैं इसके लिए लगने वाली सामग्री। यहाँ पे हमने गेहूं का आटा लिया है 3 कप, पालक लिया है 1 बाउल, कश्मीरी लाल मिर्च ली है 2 चम्मच, जीरा लिया है 1 चम्मच, फ्रेश धनिया लिया है 1 कटोरी, धनिया पाउडर लिया है 1 चम्मच, स्वाद अनुसार नमक, यहाँ पे हरी मिर्च ली है 2 से 3, अदरक का टुकड़ा लिया है 1 इंच, हींग लिया है, तेल और पानी। सबसे पहले हम पालक को हल्का सा गर्म कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे कड़े में पानी गर्म करने के लिए रखा है, तो यह हमारा पानी हल्का सा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें पालक के पत्ते ऐड करते हैं। हमने पालक के पत्ते साफ करके लिए हैं अच्छे से धो के। हमने यहाँ पे सारे पालक के पत्ते डाल दिए हैं। अब हम इसे उबलने देते हैं। यहाँ पे अच्छे से उबल आ चुका है और हमें पालक को ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 1 उबल आने तक ही उसे अच्छे से पका लेना है। और हम यहाँ पे गैस की फ्लेम ऑफ करते हैं और इसे निकाल लेते हैं। इसे हम छलनी पे डाल देते हैं और इसका सारा पानी ड्रेन कर लेते हैं। इस पे हम ये ठंडा पानी छोड़ देते हैं ताकि हमारा पालक ज़्यादा पके ना। अब हम पालक को एक मिक्सी के जार में निकाल लेते हैं। और इसके साथ में ये अदरक और हरी मिर्च डाल देते हैं और इसे पीस लेते हैं। यहाँ पे हमने पालक की पेस्ट बना दी है। अब हम पूरियों के लिए आटा गूंद लेते हैं। तो हमने यहाँ पे 1 बाउल लिया है। अब इसमें हम 1 गेहूं का आटा डाल देते हैं। अब इसमें जाएगा ये हमारी पालक की पेस्ट। तो यहाँ पे हमने पालक की पेस्ट डाल दी है। अब हम इसमें डालते हैं पिंच ऑफ हींग। ये धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा, स्वाद अनुसार नमक, ये बहुत सारा फ्रेश धनिया और ऑयल। अब इसे हम मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे हमने मिक्स कर लिया अच्छे से। अब हम पूरियों के लिए सब आटा गूंद लेते हैं और जो हमारी पालक की पेस्ट बची थी उसमें हमने ये पानी डाल दें और इसमें हम थोड़ा थोड़ा ये पानी डाल के एक सख्त आटा गूंद लेते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा आटा गूंद के रेडी है। अब हम इसे 10 से 15 मिनट तक छोड़ देते हैं ताकि आटा सेट हो जाए और पूरी अच्छे से फूल जाए। यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं और ये हमारा आटा अच्छे से सेट हो चुका है, ये आप देख सकते हैं।
अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। और इसे थोड़ा सा हल्का सा भून लेंगे। हमने यहाँ पे तेल गर्म करने के लिए रखा है। यहाँ पे हमने आटा अच्छे से मिक्स कर लिया है तेल से। अब हम इसके छोटे छोटे गोले बना लेते हैं। हमने यहाँ पे सारे आटे के गोले बना लिए हैं छोटे छोटे। अब हम इसके छोटे छोटे पूरियां बनाते हैं। हमने यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे तेल लगा लिया है। अब हम इसके छोटे छोटे पूरियां बना लेते हैं। पूरियां आप अपने साइज से बना सकते हैं, छोटी या बड़ी। तो यहाँ पे हमारी पूरी बेल के हो गई है। और इसी तरह हम बाकी की पूरियाँ भी बेल लेते हैं। हमने यहाँ पे पूरियाँ बेल ली है और हमारा तेल भी अच्छे से गर्म हो चुका है। तो चलिए अब हम पूरियाँ तल लेते हैं। तो यहाँ पे हमें तेल चेक कर लेते हैं थोड़ा सा आटा डाल के। तो ये देखिए हमारा आटा ऊपर आ गया है, इसे निकाल लेते हैं। तो अब हम ये पूरियाँ डाल देते हैं तेल में और थोड़ा हल्का सा ऐसे ऊपर से प्रेस कर लेते हैं। ऐसे पलटते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारी पूरी कितनी अच्छे से फूल चुकी है। इसे हम हल्का सा डाउन करके लेंगे। अब हम इसे निकाल लेते हैं। इसी तरह हम बाकी की पूरियां भी तल लेते हैं। इसे हल्का सा प्रेस करना है ताकि वो अच्छे से फूल जाए। हम इसे निकाल लेते हैं। वाओ, देख सकते हैं आप कितनी बढ़िया पूरी हमारी फूल चुकी है। तो यहाँ पे हमने सारे पूरियाँ तल लिए हैं। ये आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया फूल गई हमारी पूरियाँ। अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। हमने पूरियों को कोकोनट के ड्राई चटनी के साथ में
और केचप के साथ में सर्व किया है। आप चाहे तो अचार या किसी भी सब्जी के साथ में सर्व कर सकते हैं। आप इसे 2-3 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं या खा सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं हमारी पूरियाँ बहुत ही टेस्टी और बहुत ही कलरफुल और खस्ता बनी है। तो यहाँ पे यह हमारी पालक पूरी रेडी है खाने के लिए। तो आप रेसिपी घर पे जरूर ट्राई करें और आपके कमेंट्स मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे और एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।